सगळ्यांक येवकार. आमी सद्या आसा आल्तीन सीएम बंगलो आनी आमचे वांगडा सद्या आसा AIFFचे प्रेसिडेंट, जे नॅशनल गेम्साचे सेक्रेटरी सुद्दां आसा, जे नॅशनल गेम्साचे निमतान सद्या गोव्यान आसा आनी ते आमचे वांगडा आसा, कल्याण चौबेजी. सर वेलकम. सर सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, जब आप नेशनल गेम के सेक्रेटरी भी हैं और AIFF के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप एज अ AIFF प्रेसिडेंट फुटबॉल किस तरह देखते हैं इस बार नेशनल गेम्स में? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि फुटबॉल इज डेवलपिंग. इंडियन फीफा रैंकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्ड, एज यू हैव सीन दैट हाउ नेशनल टीम ओन ट्राई नेशन कप एंड मोर यूथ एंड द प्लेयर हु आर नॉट इन द रेडर ऑफ नेशनल टीम, नॉट इन ISL, आई लीग, बट स्टिल देयर आर न्यू अपकमिंग फुटबॉलर्स. मोर दे गेट चांस टू प्ले इन कॉम्पिटिशन, द बेटर फॉर इंडियन फुटबॉल टू गेट न्यू रॉ टैलेंट्स. सो आई बिलीव नेशनल गेम्स विल डेफिनेट बी ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फुटबॉलर्स टू शोकेस देयर टैलेंट. सर आपने कहा फीफा रैंकिंग इंडिया की बढ़ रही है, तो कब ऐसा दिन आएगा जब हम इंडिया को वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे फुटबॉल में? नहीं देखिए, ये तो भारत में रहने वाले हर फुटबॉल प्रेमी का ही इच्छा और सपना है. हम भी चाहते हैं कि कब आएगा वो दिन, लेकिन क्या है कि सिर्फ सपना देखने से सपना साकार नहीं होता है, इसीलिए हमें सपना को साकार करने के लिए उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है और उसके साथ एक योजना बनानी पड़ती है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अभी उस योजना और परिश्रम के लिए तैयार है और हम समझते हैं कि फुटबॉल ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करेंगे. हम यदि आप हमारा AIFF विजन 2047 देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे योजना है कि इस तरह से भारत के फुटबॉल को आगे लेके जा सकते हैं. जब सब हम फुटबॉल की बात करते हैं, जब हम क्रिकेट देखते हैं, तो आज जो महिला प्लेयर है क्रिकेट में उनका भी नाम हो रहा है, तो किस तरह से आप जो वुमेंस फुटबॉलर हैं उनको एनकरेज करने के लिए या फिर जो वुमेंस फुटबॉल है वो इंडिया में अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, हमने अभी निर्णय लिया है, दो हफ्ता पहले हमारा जो EC मीटिंग था, एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में, वो हमने कहा कि वुमेन फुटबॉलर को हर क्लब में कम से कम 10 ऐसी वुमेन फुटबॉलर हो जिसकी कम से कम मिनिमम वेजेस जो है 3,20,000 हो. तो हम समझते हैं कि जब आप प्लेयर का फिनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं तो डेफिनेटली एक खिलाड़ियों के लिए एक इंसेंटिव्स बनता है और जब खिलाड़ियों का ये सिक्योरिटी मिलेगा, इंसेंटिव्स बनना रहेगा, तब मोर और मोर खिलाड़ी आएंगे खेलने के लिए. तो हम समझते हैं कि वुमेन फुटबॉल का तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मजबूती से आगे बढ़ रही है. सर आप अभी गोवा में हैं और गोवा जाना जाता है फुटबॉल के लिए, गोवा की यहाँ की एक बॉडी है GFA, किस तरह से देखते हैं उनका काम और AIFF की तरफ से गोवा में टूर्नामेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं या आपका कुछ प्लान है? जी, गोवा में तो देखिए अभी U17 वीमेन वर्ल्ड कप हुआ और बहुत अच्छी तरह से हुआ. यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गावरे साहब, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सावंत साहब इतने डायनामिक है, इतने स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं और हमारे GFA के प्रेसिडेंट कैतानो जी भी एक नया टीम के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट करके ये काम कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि गोवा में, गोवा को जाना जाता है फुटबॉल के लिए. एक समय आई लीग में 6-12 में से 6 क्लब जो है गोवा के ही होती थी, यानी कि 50% रिप्रेजेंटेशन वॉज फ्रॉम गोवा इन ऑल इंडिया लेवल. तो मैं समझता हूँ कि गोवा में बहुत संभावना है और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत साहब ने जिस तरह से स्पोर्ट्स को एक उत्साह और प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गोवान बच्चों के लिए अच्छी बात है. गोवा का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं आप, जब यहाँ पे इवन GFA में अभी पूरी बॉडी चेंज हो गई है गोवा में, तो गोवा का फ्यूचर एज अ फुटबॉल में कहाँ देखते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए गोवा लंबे समय से फुटबॉल के लिए जाना जाता है. बीच में कुछ साल थोड़ा सा एक गैप आया था, जैसा कि अभी संतोष ट्रॉफी में गोवा की तरफ से अच्छी प्रदर्शन नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कि आगे साल से गोवा अच्छा करेगा और मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से गोवा फुटबॉल एसोसिएशन को जो भी सहयोग की आवश्यकता हो, टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस वाइज या कॉम्पिटिशन होस्ट करने की जो सुविधा, हर चीज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के साथ कोऑपरेट और कोलाबरेट करेगी. सर और एक इशू है कि मैच फिक्सिंग्स होते हैं, जब रेड फ्लैग दिखाया जाता है, तो कितना सीरियसली आप देखते हैं इस इशू को? नहीं देखिए, ऐसा हमारे पास कुछ आया है
आई वुड से की कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन हमने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस विषय को रखा है कि इंटीग्रिटी को जीरो टॉलरेंस के रूप से देखना पड़ेगा ताकि कहीं पर भी मैच की जो ये इस तरह के गलत प्रैक्टिसेस ना हो। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ गोवा में ही नहीं भारत के हर प्रदेश में इसको बंद करना पड़ेगा और इसको किसी तरह से भी हल्का सा भी ढीला नहीं पड़ेगा। सर जाते जाते गोवा जो फुटबॉल प्रेमी है और जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि गोवा में मैं स्वयं 5 साल फुटबॉल खेला और गोवा के लीग, गोवा के स्टेडियम, गोवा के क्लब्स मुझे जानते हैं खिलाड़ी के रूप में। मैं भी गोवा को जानता हूँ, यहाँ के नेचर कैसा है, यहाँ के फुटबॉल के प्रति इनके लगाव कैसा है। तो मैं चाहूँगा